सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम जे कार गैराज पे। सो आज एक हम नई कार कवर करने वाले हैं। ये टाटा की कार है, टाटा हैरियर। टाटा की आज तक कोई भी कार हमने अपने चैनल पे कवर नहीं करी है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। जो ये कार है, इसको हम टू पार्ट्स में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे इसकी एक्सटीरियर एंड इंटीरियर का लुक दिखा देंगे, एंड साथ में सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे। ये कार जो है 2019 मॉडल है, एंड ये फर्स्ट लॉट जो है वही है कार का। अराउंड 60,000 चल चुकी है कार, तो हम कार के ओनर से भी पूछ लेंगे। ओनरशिप रिव्यू कवर होगा, वो सेकंड वीडियो में होगा। सेकंड वीडियो में आपको एक ओनरशिप रिव्यू देखने को मिलेगा, एंड सेकंड इसकी ड्राइव क्वालिटी के बारे में डिस्कशन होगी। तो वीडियो को, ये वाली को पूरा ज़रूर देखना। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नेक्स्ट थर्सडे को आएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करें। फ्रंट लुक हम देख लेते हैं। काफ़ी ही बोल्ड लुक दी गई है कार को। जो ये जो कार है, ये लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। डिस्कवरी का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर ये कार तैयार हुई है। बहुत अच्छी लुक आती है कार को फ्रंट से। जो ये मॉडल है, ये एक्सटी वेरिएंट है। मैंने आपको बताया था टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है। इसमें यहाँ पे आपको डीआरएल्स मिल जाती हैं, यही लाइट टर्निंग इंडिकेटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे नीचे आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा एक हैलोजन बल्ब के साथ। लो बीम और हाई बीम के लिए आपको सिंपल हैलोजन बल्ब दिया गया है। नीचे यहाँ पे फॉग लैंप मिल जाएगी आपको। एंड वैसे तो कार देखने में इस डिज़ाइन से अच्छी लगती है। ऑल्दो क्रेटा ने भी यही आजकल चीज़ें यूज़ करी हैं कि जो लाइट है वो ऊपर से शिफ्ट करके नीचे कर दिया है। अगर इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ से कंपेयर करें, तो इसमें आप जब भी ध्यान दो, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चलाते हो तो जो बम्पर है वो बड़े इजीली टच हो जाते हैं, एंड लाइट का टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। यहाँ पे बोल्ड टाटा का लोगो दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल है, हैरियर की बैजिंग बोनेट के ऊपर। तो इसी के साथ अभी हम आपको इसका बोनेट भी खोल के दिखा देते हैं। ये होती है टाटा की बिल्ड क्वालिटी। इसका बोनेट बहुत ही भारी है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको हाइड्रोलिक्स नहीं मिलते, आपको इस सेट से ही इसको टिकाना पड़ेगा। तो ये है कार का इंजन। फोर सिलेंडर इंजन है 2000cc का, जो कि 138 bhp की पावर निकालता है 3750 rpm पे। एंड अगर हम टॉर्क की बात करें तो 350 nm का टॉर्क मिल जाता है हमें इसमें। तो अब बोनेट को क्लोज कर देते हैं एंड साइड प्रोफाइलिंग की तरफ चलते हैं। तो साइड प्रोफाइलिंग में आपको यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। डायमंड कट अलॉय व्हील्स नहीं है, थोड़े सिंपल से अलॉय दिए गए हैं इसमें। एंड जो इसका टायर साइज है वो है 235/65 R17। इस कार को अगर कंपेयर किया जाए तो जीप कंपेस के साथ इसका कंपैरिजन होता है। उस वेरिएंट में इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है हर जगह से आगे है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस भी 205 mm है। इस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है ओनली ड्राइवर साइड, बट जो इसका एग्जेट टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको ड्राइवर साइड एंड दूसरी साइड भी कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आइए इसकी साइड प्रोफाइलिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसका फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है। इस कार में क्या है, जो नई i20 आई है उसमें भी यही फीचर दिया गया है। जो इसका, अगर कार लॉक्ड हो तो फिर ये नहीं खुलेगा। अभी कार अनलॉक्ड है, तो इसको दबाओ ये अपने आप खुल जाएगा। अंदर से खोलने के लिए इसका कोई भी स्विच नहीं है। एंड अब इसकी रियर प्रोफाइलिंग की तरफ आ जाते हैं। तो रियर जैसे ही फ्रंट से हमें कार काफ़ी बोल्ड लुक देती है, वैसे ही रियर से भी इसकी लाइट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से प्लेस की गई हैं। अगेन ये पीछे से हमें वेलार की लुक देती है। रेंज रोवर से इंस्पायर्ड है ये कार। तो इसकी लाइट्स अभी चल रही हैं। वैसे अभी डे लाइट है तो इसमें कम नोटिस हो पा रहा है। यहाँ पे आपको LED स्ट्रिप मिल जाएगी, एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन लैंप्स में मिलेंगे। यहाँ पे आपको नीचे ये एग्जॉस्ट टिप दी गई है। अनफॉर्चुनेटली भी आर्टिफिशियल है, वर्किंग नहीं है। असली में इसका एग्जॉस्ट नीचे इस साइड पे है।
इसमें आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, यहाँ पे कैमरा दिया गया रिवर्स पार्किंग, हैरियर की बैजिंग काफ़ी बोल्ड बैजिंग की गई है, टाटा का लोगो एंड यहाँ पे भी प्योर ब्लैक फिनिश में, पियानो ब्लैक फिनिश में कवर की गई है पूरी लाइट। पीछे आपको डिफॉगर मिल जाएंगे, ये वाइपर मिल जाएगा। इस वेरिएंट में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं प्रोवाइड होता, सिंपल एंटीना मिलेगा। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप माउंटेड है। तो आइए अब इसको बूट स्पेस देख लेते हैं। तो ये इसका जो बूट स्पेस है ये देखने में थोड़ा बड़ा लगता है, वैसे ये 425 लीटर्स का बूट स्पेस है। एज़ कम्पेयर टू क्रेटा इसका बूट स्पेस थोड़ा सा कम है, उसमें 433 लीटर्स का है। ऑल्दो इसमें आपको नीचे यहाँ पे सामान यहाँ पे रख सकते हो, काफ़ी स्पेस मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको को जैक मिल जाएगा। तो इसका जो टायर है वो यहाँ पे नीचे प्लेस किया है, ये अलॉय व्हील नहीं है, ये आपको सिंपल स्टील रिम मिलता है। तो अब इसके बूट को कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वाइट लाइट दी गई है, जो नंबर प्लेट पे लाइट आती है वाइट लाइट है। एंड इस कार में डुअल टोन बम्पर मिलता है आपको, ऑल्दो ये सिल्वर एंड ब्लैक कलर का फिनिश है, बट जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें ये वाला पार्ट जो है ये इसमें सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो कि कार के लुक को एनहांस करते हैं। तो हमने कार का एक्सटीरियर तो चेकआउट कर लिया, अब इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं, अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। ये है कार की की, इसमें लॉक अनलॉक बूट ओपन एंड ये आगे इसकी लाइट्स लाइट जल जाएंगी, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो कार को अनलॉक आप बटन से भी कर सकते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा। इसमें ऑटो फोल्डिंग आपको साइड मिरर मिल जाएंगे, कार के लॉक अनलॉक होने पर ये फोल्ड हो जाएंगे। इसी के अंदर टर्निंग इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं एंड यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ किया है। तो ये लाइट्स ऑन थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। तो कुछ ऐसा है कार का इंटीरियर, जिनकी कार है उन्होंने ये बाहर से लगवाए हैं सीट कवर। इस वेरिएंट में कोई भी लेदर का यूज़ नहीं किया हुआ। जो साइड पे यहाँ पे आपको डोर पैनल मिल जाता है, यहाँ पे भी एक कपड़ा लगाया गया है, कोई भी लेदर का यूज़ नहीं है, वो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। तो अब इसके पहले इंटीरियर चेकआउट करवा दें। तो ये है कार का इंटीरियर प्योर ब्लैक कलर में। पहले इसका डोर चेकआउट कर लेते हैं। डोर जो है बहुत ही हैवी है एंड यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो के स्विचेस मिल जाते हैं। ये थोड़ी सी चीप क्वालिटी के लगते हैं, ऑल्दो पता नहीं क्यों, मेरी अपनी थिंकिंग है। इसमें आपको कोई भी ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फीचर के साथ नहीं मिलती, सिर्फ आपको ड्राइवर साइड की जो विंडो है वही ऐसे मिल पाएगी। तो जिसके ORVM के कंट्रोल्स हैं वो हमें यहाँ पे प्लेस मिलते हैं, यहाँ पे प्लेस होने से अच्छा अगर यहाँ पे नीचे ही होते तो थोड़ा अच्छा लगता, बिकॉज जब हम अंदर बैठते हैं तो यहाँ से ऑपरेट करना इतना कन्वीनियंट नहीं लगता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेस होते थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आपको यहाँ पे 1 बॉटल होल्डर की स्पेस मिल जाएगी, कुछ और सामान रखने की स्पेस एंड यहाँ पे एक अम्ब्रेला होल्डर भी है, ऑल्दो एक छोटी अम्ब्रेला यहाँ पाएगी बट अच्छी इनोवेशन करी गई है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाएगी, ध्यान से सोचोगे तो ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल है रियल लाइफ से, बिकॉज जब भी आप कार में रात के टाइम पे ट्रैवल करते हो, कहीं पे आपने हाईवे पे कार रोकी एंड दरवाज़ा खोलते हो, तो क्या होता है पीछे से गाड़ियाँ जो है स्पीड में आ रही होती हैं, वो आके इस पर बजने का डर होता है। इस कारण ये लाइट है ताकि जो पीछे से कोई कार आ रही है उसे पता लग जाएगी कोई कार आ रही है, वो धीरे हो जाए अपनी लेन चेंज कर लेगा। तो आइए कार के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिल जाता है। इसमें आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 8.5 इंचेस का मिलता है अप्रॉक्स। तो कार का इंटीरियर बहुत ही ब्रॉड है, एक टाइम पे कवर नहीं हो पा रहा पूरा एंड लगभग 2 साल हो चुके हैं कार को और इन्होंने पन्नी अभी तक नहीं उतारी है। ये गियर नॉब, इसमें 6 गियर मिल जाते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन है एंड इसका रिवर्स गियर फ्रंट में डलता है, ऑल्दो ये सिर्फ डीजल वेरिएंट में ही आती है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इसका थोड़ा बेसिक सा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है। जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 7 इंच का पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है, जो RPM है वो भी उसके अंदर ही कवर हो जाता है। तो अब कार को स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखता है एंड ये है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल्स। और ये कार अराउंड
58,000 चल चुकी है। तो हम इनसे, इनके ओनर से भी पूछ लेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का कार के साथ। इसमें आपको टिल्टेड एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग मिलेगा। जो इसकी ड्राइवर साइड की सीट है वो आपको 6 फीट एडजस्टेबल सीट मिलती है। और जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको लंबर सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लेस्ड होता है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसमें जो हैंड ब्रेक है आप देख सकते हैं, अलग तरह से डिज़ाइन करी है, एयरक्राफ्ट टाइप लगती है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि लेदर फिनिश में नहीं है एंड एडजस्टेबल भी नहीं है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स की स्पेस मिल जाती है, और आप 1 कप रखना हो तो सेंटर में वो भी रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाएगी। एंड इसके यहाँ पे अंदर शायद अगर आपको दिख पा रहा हो तो यहाँ पे एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड एक USB पोर्ट, ये AC कंट्रोल्स। तो इसको खोल के दिखा देते हैं, इसके अंदर भी डिसेंट स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखो तो ऑल्दो लगता है हार्ड टच मटेरियल होगा, प्लास्टिक होगा, बट ये काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया है। ये आपको वुडन फिनिश मिल जाएगी यहाँ पे पूरे, नीचे हार्ड प्लास्टिक, एंड ये सिल्वर कलर के इंसर्ट्स डाले गए हैं। जो इसका इंटीरियर है आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जो पूरी एक लाइन जा रही है वहाँ से कवर होके यहाँ तक, ये भी आपको रेंज रोवर से इंस्पायर्ड मिलेगी। इसमें आपको 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं। इस स्टीरियो सिस्टम में आपको एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो दोनों देखने को मिलेंगे। तो अब कार को बंद करके आपको इसकी बैक प्रोफाइल भी दिखा देते हैं, बैक सीटिंग कैसी है देते हैं। कार जो है बहुत बोल्ड है, तो आपको जो सीटिंग, रियर सीटिंग में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 3 पैसेंजर्स इजीली बैठ सकते हैं। इससे पहले आपको इसका डोर ट्रिम दिखा देते हैं। तो ये डोर हैंडल है जो कि काफ़ी अच्छा है, जो सिल्वर कलर यूज़ किया हुआ है, प्रीमियम लुक आ रही है इस कार को। यहाँ पे विंडो के स्विच मिल जाएंगे आपको, और इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ स्पेस है, एंड ऊपर भी थोड़ी स्पेस मिल जाती है। एंड अब इसमें आपको बैठ के इसका सिटिंग कंफर्ट चेकआउट करवा देता हूँ। तो अगली वाली सीट मैंने अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी, 5.9 मेरी हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो मेरे को इतना कुछ लेग रूम मिल जाता है। थाई सपोर्ट की बात करें तो सफिशेंट है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा। थोड़ी सी अगर ये ऊँची होती तो ईजी होता, बट अगर हम इस सेगमेंट में और कार से कंपेयर कर रहे तो बहुत बेटर है इस कार का सिटिंग पोस्चर। तो हेडरूम तो मिल ही जाएगा, SUV कार है इसलिए। एंड अगर 3 पैसेंजर्स की बैठने की बात करें तो इजीली बैठ सकते हैं, लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है। अगर यहाँ पे ये जो हम्प है, सेंटर में एक हम्प दिया गया है, अगर ये नहीं होता तो बहुत ही इजीली कंफर्टेबली बैठ जाते। एंड इसमें आपको जो रियर AC वेंट्स हैं वो साइड पर दिए गए हैं पिलर के पास, इस यहाँ पे, या दूसरा उस साइड होगा। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने की कुछ स्पेस मिल जाएगी, एंड नीचे यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी है, थोड़ा दूर है। और इसमें लंबा सपोर्ट भी मिल जाता है आपको। सो ये 8-way एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर साइड वाली, बट मैनुअली। तो इस वेरिएंट में सनरूफ नहीं आती थी जब ये कार आई थी, अब जो इस कार में टॉप एंड वेरिएंट में सनरूफ भी डाल दी गई है। यहाँ पे आपको LED बल्ब मिल जाएंगे, इस वेरिएंट में आपको 2 एयर बैग्स ही देखने को मिलेंगे, टॉप एंड वेरिएंट में 6 एयर बैग्स हैं।